हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत चनों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे को वर्कआउट करना है सुबह में। पापा ने मेरे को सबसे पहले भेजा कि इसका ना मोबिल लीक हो रहा है गाड़ी का, तो पहले इसे मिस्त्री के यहाँ पे छोड़ के आना है। और पीछे जीतू आ रहा है मेरे को स्कूटी से लेने, वैसे वहीं छोड़ के आएंगे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, क्योंकि जीतू आएगा इतने उसके साथ ही निकल लेंगे। और आज पहले वर्कआउट करना है, जो जरूरी है सबसे ज्यादा। यार मिस्त्री साहब, कितना टाइम लग रहा है? जब छुटाऊंगा, छुटाने के बाद करूंगा सर। फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? एक घंटा ये तो एक घंटा लगेगा। चले, एक घंटा लगेगा, सोच रहे हैं रुके ना रुके। बता ये तो क्या करना है? चल इतना कुछ खा पी जाएंगे, बाद में ले जाएंगे। अब ना है ली। सही है मिस्त्री साहब, ले जाना बढ़िया। हाँ, बेधड़क को बता दियो। हैं, बता दियो। चलो अब की बार कर गई, अब की बार बोलेगा गियर बस निकाल दूंगा बाहर पूरा। अब की बार लीक कर गई तो हाँ, और नहीं तो अगर ही ना ली। ठीक है चलो भैया, अगर किसी के पास 60 रुपए ना हो तो उसके साथ क्या करोगे आप? भेज दोगे? अपने क्या ले जाएंगे? हैं, अपने क्या ले जाएंगे? अपने क्या कहाँ ले जाओगे भोगा? मैं जब भी पर्ची वाले भैया के पास जाऊँ ना, तो पहले क्या होगा, जब वो मेरी गाड़ी दूर से देखे तो रोक ले मैं, क्योंकि उनका काम गाड़ी रोकने का ही है, तो वो रोक ले मैं। पर बाद में आके देखें गाड़ी रोक ली तो छोड़ दे मैं, तो मैं उनसे हर बार कुछ ना कुछ मजाक करके आता रहा हूँ। तो भैया बुरा भी ना मानते हैं और उनका भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाए। और अब अपना घर पर तो आ ही गए, थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर लें, क्योंकि अपनी डाइट वगैरह तो ले लिया है, तो अब पहले वर्कआउट कर ले रहे हैं, क्योंकि यार चैलेंज लिया है, पूरा जरूर करना, चाहे किसी भी हाल में करना पड़े। और यहाँ मेरे को अपनी छत पर छपकली के अवशेष मिले हैं। I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. मैं क्या सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे ना एक मिरर लगवा ले रहा हूँ, और यहाँ सामने से अपना बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा, और शीशे में भी देखते रहेंगे। मतलब शीशे में देख के ना एक अलग से मोटिवेशन मिला है, जो वैसे ना मिल पाती। जब तक अपने आप को वर्कआउट करते हो, खुद ना देखो ना, तब तक सेटिस्फेक्शन मिलता ही ना है। तो यहाँ पे इतने से इतने तक काफ़ी बड़ा हो जाएगा शीशा, तो बात करके देखूंगा पापा मम्मी से कि लगवा दे। तो आज बुधवार है और बुधवार पे हमारे यहाँ पे लगता है बाजार, तो मुझे सब्जी खरीद के लेकर आनी है, क्योंकि सब्जी खरीदने की जो जिम्मेदारी दे रखी है ना, भारी भरकम जिम्मेदारी, वो घर वालों ने मेरे को दे रखी है, तो सब्जी लेकर आनी है आज मेरे को। और जो हमारे खेत में से आलू निकले हैं वो इतने हैं, तो आलू वालू लाने की तो हमें ज़रूरत ही ना पड़ती, बहुत आलू हैं, बहुत दिन तक चलेंगे। मम्मी कब तक चल जाएंगे आलू ये? हैं गौरव बुला के लेके आया, बोला के भैया एक घर में मिला है पतंग, और वहाँ पर बढ़िया पतंग मिला है, तो अभी गौरव के कहने से पीछे आए हैं। उसने दो तीन पतंग दिखाई है, दोनों की दोनों अभी तक तो ठीक लग ना रही मेरे को। अभी लौंडा और सारी पतंग लेने गया है, और अभी लेने जा रहा है। क्या है यार ऐसा? पैराशूट थोड़ी हो गए, ये तो कोई अलग ही जुगा है। पैराशूट ना है कोई वैसा फ्लाई हेलीकॉप्टर वगैरह? भाई ये है 30 रुपए की पतंग, इससे मैं उड़ाऊंगा कैसे? तो उड़ाते हुए तो मेरे हाथ कांपेंगे। अबे लोंडे पतंग उड़ाने वाले, ओ भैया यूं तो बता इसे उड़ाऊंगा कैसे यार मैं, इसे उड़ाते हुए तो मेरे हाथ कांपेंगे। हैं भाई इतनी महंगी पतंग है, फटगी तो बस। तुम उड़ाओ इसे, तुमने उड़ाई है एक बार? हैं, कई बार उड़ाई तने? 3-4 बार उड़ाई है। कटते ना है पतंग? कल भैया हमने 13 काटी, कुल मिलाकर 13 काटी कल। तुमने कहाँ इनकी, ये सामने जोड़ा रहे इनकी? हाँ इनकी, ये जो सगली 13 काटी जब कटी हमारी। यार मेरे को बता दे कैसे उड़ा, हमें यार उड़ानी सिखा दे पतंग। ये दोस्त बन गया मेरा एक दिन में ही, ले जाऊंगा भाई मैं इसे, दोस्त बन गया मेरा। यो मैं दोस्त है काटने को आ रहा है तो ये तो बता दे पहले। तो ये पतंग लिए हमने अपने दोस्त से, एक से कितनी पतंग ली गौरव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पतंग लिए, और एक लिया है हुचका, और इनके पास मंजा और सद्दी है ही ना, तो कहीं और से लेंगे। तो ये दोस्त हमें मंजा दे रहा है अपना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मंजा तो आई ना, तो इस भाई के पास ये पूरा गुल्ला, और ये कह रहा है कि मेरी से ही ले जाओ थोड़ा सा गुल्ला। धन्यवाद तेरा भाई, बहुत बहुत।
अभी अपना पतंग वगैरह खरीद के तो आ गए घर पे, और शुक्र है घर वालों ने कुछ ना बोला, पतंग देख ली पर कुछ ना बोला। मैं सोच रहा कुछ बोलेंगे कि तू बालक ना पतंग पतंग उड़ाता रहे, पर कुछ ना बोला। जैसे मैंने अपनी मम्मी से पूछा अभी वीडियो में, मतलब वीडियो में तो मम्मी को लिया ना, जैसे पूछा कि कब तक चल जाएंगे आलू, तो मम्मी सोच में पड़ गई क्या पूछ रहा है, मेरे से क्यों पूछ रहा है, वो तो कैमरे में थी ना वो। अगर सोचो मैंने किसी को कैमरे के सामने लेके बोल दिया ना कुछ, अब बता दो तो पता ना बीपीआई हो जाए क्या हो जाए, जब बिना कैमरे के सामने ही बोलने में इतनी घबराहट हो रही है घर वालों को। तो आप सोचो कैमरा सामने कर दूंगा और फिर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगा ना, बीपीआई हो जाएगा भाई उनका कैड़ा वाला। तो अभी अपना एडिटिंग करेंगे और खाना खाएंगे, एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। I'm inspired by thirst, I'm inspired by work.